हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माइंड रिव्यू आई एम साक्षी कौशिक एंड दिस इज़ दिसरेली सीरीज दैट इज़ गोइंग ऑन सो ऑल ऑफ़ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट एट बाई नाउ आई होप कि जो आपकी साइकोलॉजी की सिसरेली की बुक है उसके टोटल फिफ्टीन चैप्टर्स हैं एंड हेयर एज पार्ट ऑफ दीरीज वी आर कवरिंग ऑल ऑफ दिज फिफ्टीन चैप्टर्स तो फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स ऑलरेडी कवर्ड जिसने मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाएगा और वहां पे इस एसट्रेली सीरीज की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आप एंड यू कैन एक्सेस ऑल वीडियोस राइट सो टुडे दिस वीडियो इज पार्ट

वो नाम है नोएम चॉम्सकी ओके अ लॉर्ड ऑफ टाइम्स दिस नेम हैज बीन आस्क्ड इन दी एमसीक्यू एग्जाम्स बीट ऑफ सीयूईटी और बीट ऑफ यू नो यूजीसी नेट एग्जाम्स मतलब मास्टर्स के एंट्रेंसेस में भी काफ़ी बार पूछा गया है तो नोएम चॉम्स्की ने एक चीज के बारे में बोला था दैट इज नोन एज लैड नाउ व्हाट इज दिस लैड

हमारीट एबिलिटी होता हैिटी होती है टू अंडरस्टैंड एज वेल एज प्रोड्यूस लैंग्वेज और वो एबिलिटी कैसे होती है ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है यानी कि नोआम चॉम्सकी ने बोला था इन बेसिक बेसिक टर्म्स कि हम सब में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है इट्स नॉट एनी डिवाइस दैट इज इंसर्टेड या ऐसा कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है ये बस इन्होंने इनका इमेजिनेशन था कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है वो बाय बर्थ सब में प्रेजेंट होता है और इसी वजह से ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो हमें हेल्प करता है बड़े होते होते टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर स्पीकिंग अराउंड अस एंड आल्सो टू प्रोड्यूस दैट लैंग्वेज और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आगे जाके हमारे ग्रामर में भी हमें हेल्प करता है सपोर्ट

राइट किसी भी भाषा में वो चीज़ हो सकती है हिंदी इंग्लिश जर्मन फ्रेंच एनी एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर नाउ सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लैंग्वेज इट ये टर्म्स आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाएंगे तो डोंट गेट कन्फ्यूज एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट राइट अवे ठीक है नोटबुक और पेन है साथ में तो साथ, साथ लिख लो सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोनीम्स फोनीम्स क्या होते हैं जो हमारी साउंड होती है लैंग्वेज में सो सपोज राइट नाउ से आई स्पीक आई एम स्पीकिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ है ना जैसे लॉट ऑफ वर्ड्स ये भी कुछ मैंने बोला या फिर डे है एक वर्ड कार है एक वर्ड दीज आर व्हाट दीज आर वर्ड्स दीज आर लैंग्वेजेस दैट आई एम स्पीकिंग तो इन लैंग्वेज में कोई ना कोई साउंड तो आ रही है ना जैसे मैं डे बोल रही हूं तो ड ए वाई इन तीनों चीजों की साउंड आई कार बोला तो क ए र उन सब की सी ए आर तीनों चीजों की साउंड आई सो वर्ड ऑफ फनीम्स दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज की किसी भी लैंग्वेज में जो बेसिक यूनिट होती है साउंड की उसको हम बोलते हैं फनीम्स तो फॉर एग्जाम्पल अ बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इन द वर्ड डे एज वेल एज इन द वर्ड कार इज वॉट ए

Morpheme is the smallest unit of meaning within a language. Now, a lot of us get confused between what is the smallest unit of sound and what is the smallest unit of meaning. द नॉट अ टेक्निक से बट ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि मॉरफीम एम से शुरू होता है मीनिंग भी एम से शुरू होता है सो मॉरफीम इज यूनिट ऑफ मीनिंग और फोनिम फोन phone होता है ना रिंग करते हैं फोन तो साउंड आती है उसमें से सो फोनिम इज वॉट द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज राइट अब मॉरफीम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है अब ये वर्ड है प्लेइंग ठीक है प्लेइंग में एक्चुअली दो यूनिट हैं है ना एक स्मॉल यूनिट ऑफ मीनिंग क्या है प्ले प्ले अपने आप में एक और वर्ड है इज इंट इट सो प्लेइंग इज वन वर्ड दैट इज मेकिंग अप अ मीनिंग अनाद स्मॉल यूनिट ऑफ मीनिंग इन दिस पर्टिकुलर वर्ड इज प्ले ऑल्सो अनादर मीनिंग इज दिस आई एन जी ऑल्सो दैट इज यू नो दैट इज यूज लॉट ऑफ टाइम्स इन अ लॉट ऑफ वर्ड्स राइट सो मॉल्फी मज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट इज देयर इन योर लैंग्वेज एंड देनो है आप जब कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आपने साउंड प्रोड्यूस कर ली आपने उस लैंग्वेज में जो वर्ड यूज हो रहे हैं उसके मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिए ठीक है फोनीम और मॉरफीम ने ये दोनों चीज़ों में हेल्प कर दिया नाउ वॉट अबाउट द रूल्स क्या रूल्स आप यूज करोगे अगर आपको एक से ज्यादा वर्ड कम्बाइन करके एक सेंटेंस फॉर्म करना है ओके okay, सो so वो रूल्स कौन तय करता है सिंटैक्स तय तय करता है राइट right? सो सिंटैक्स इज बेसिकली द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर कंबाइनिंग योर वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म योर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस तो जब आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना है कोई भी सेंटेंस कैसे बनेगा जब एटलीस्ट दो तीन वर्ड्स जुड़ेंगे है ना बीच में कनेक्टर्स आएंगे जैसे ये द है एंड ऑल ऑफ दीज वर्ड्स सो देन वी फॉर्म अ सेंटेंस पर ये चीज़ें बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं अब मैंने एक सेंटेंस बनाया जॉनी हिट द बॉल अब मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकती थी अगर मैं लिखती हिट द जॉनी बॉल डज इट मेक एनी सेंस नो इट डज नॉट मैं अगर ऐसा कुछ बोल देती कि द हिट बॉल जॉनी देन ऑल्सो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस सो एनीर आर सम रूल्स दैट आई हैव इन स्कूल एंड आई हैव यूज टू फॉर्म अ सेंटेंस दैट इज जॉनी हिट द बॉल जिससे आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि भाई जॉनी ने बॉल को हिट किया सो दैट सिस्टम इज विद विध हेल्प ऑफ सिंटैक्स ठीक है तो फोनिम्स आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड किसी भी लैंग्वेज में मॉर्फेम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन योर लैंग्वेज एंड सिंटैक्स इज द सिस्टम ऑफ रूल्स दैट यू आर यूजिंग टू फॉर्म सेंटेंसेस देन वी आल्सो हैव टू मोर थिंग्स टू गो ठीक है फोर्थ चीज क्या है आपके पास फोर्थ चीज है प्रैग्मैटिक्स नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रैग्मैटिक्स प्रैग्मैटिक्स का मतलब होता है द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है यानी कि अब आपने कम्युनिकेशन तो कर ली मतलब लैंग्वेज के काफ़ी सारे पोर्शंस तो समझ लिए कि लैंग्वेज की एक बेसिक यूनिट ऑफ साउंड होती है बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंग होती है कुछ रूल्स होते हैं जिनसे हम वर्ड्स और फ्रेज़ेस को कंबाइन करते हैं बट देन यू नो देर आर ऑल्सो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स टू कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मतलब कि भाई जब आप किसी से बात करोगे तो आपको टर्न टेकिंग करनी है ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोलते जाओ द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू शुड ऑल्सो गेट द चांस टू स्पीक तो वो टर्न टेकिंग सीखना या बात करते करते हैंड जेस्टर्स का यूज करना फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करना ऑल ऑफ दीज कम अंडर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम सिग्निफाई करते हैं वाया प्रेग्मेटिक्स ठीक है अब यहाँ पे एक और चीज़ है एक और टर्म दैट इज़ नॉट मैंशनड ओवर हियर दैट आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू गाइज फोनीम्स तो हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड मॉर्फीम हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग जो कि आपके लैंग्वेज में है सिंटैक्स वो रूल्स हो गए जिनसे आप वर्ड्स और यू नो फ्रेजेस को कंबाइन करो अब जैसे ये सेंटेंस था जॉनी हिट द बॉल अगर मैं इसको हिट द जॉनी बॉल लिखतीव नॉट मेड एनी सेंस तो मैंने कुछ रूल यूज़ किए या फिर अनादर एग्जाम्पल फॉर दिस सिंटैक्स कुड बी कि जैसे एक मैंने सेंटेंस लिखा जॉन किडनेप्ड द बॉय ठीक है जॉन किडनेप्ड द बॉय से क्या मतलब समझ आएगा आपको कि भाई जॉन ने बॉय को किडनेप किया बट अगर मैं इसी सेंटेंस में जॉन के आगे एक यू नो कॉमा लगा दूँ नाउ द मीनिंग कंप्लीटली चेंजेस जॉन द किडनेप्ड बॉय ठीक है द भी लगा दू जॉन द किडनेप्ड बॉय सो नाउ द मीनिंग चेंजेस यहां से द हटा के यहां पुट कर दिया तो अब मीनिंग क्या हो गया कि भाई जॉन है वो बॉय जिसको किडनेप किया गया है पहले जॉन किडनैप द बॉय था तो मतलब जॉन ने किसी लड़के को किडनैप किया है ना सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सिंटैक्स सिंटैक्स वो रूल्स हैं जो हम यूज करते हैं टू कंबाइन एनी वर्ड और एनी फ्रेज टू एक्चुअली फॉर्म अ सेंटेंस प्रेग्मेटिक्स आप लोग देख ही चुके हो वो होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन अब एक और यहाँ पे टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सिमेंटिक्स सिमेंटिक्स क्या होता है सिमेंटिक्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू मीनिंग ठीक है कि कोई भी जो वर्ड आप फॉर्म कर रहे हो कोई भी जो सेंटेंस आप फॉर्म कर रहे हो उससे मीनिंग क्या निकल के आता है ठीक है सो फॉर द लास्ट एग्जाम्पल ओनली की जॉनी हिट द बॉल तो वॉट मीनिंग डू यू ड्रॉ आउट ऑफ दैट सेंटेंस कि जॉनी so ने बॉल को मारा है ना सो दैट इज सिमेंटिक्स सिमेंटिक्स और सिंटैक्स में फर्क क्या है सिंटैक्स इज द रूल्स एंड रेगुलेशन टू फॉर्म द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज वेर एज आपका जो सिमेंटिक्स है वो है कि सेंटेंस से मीनिंग क्या निकल के आ रहा है ठीक है सो सिंटैक्सेस वो रूल्स जैसे कॉमा है पोस्ट्रफी है एक्सक्लेमेशन मार्क है कौन सा कनेक्टर किधर आना चाहिए ऑल ऑफ थिंग्स राइट एंड दैट इज हाउ वी डू इट सो दीज आर यू नो द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू लैंग्वेज राइट सो लेट मी जस्ट गिव यू क्विक रीकैप वंस अगेन वी सॉ नीम्स दैट आर द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड मॉर्फिम क्या है जो बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है सिंटैक्स आपके रूल्स एंड ग्रामर से रिलेटेड है सिमेंटिक्स डेट वी जस्ट टॉक्ट अबाउट सिमेंटिक्स इज रिलेटेड टू मीनिंग कोई भी जो आपने सेंटेंस फॉर्म किया है उससे मीनिंग क्या ड्रॉ रहे हो

सिंग सॉन्ग टाइप के फॉर्मेशन में कहते हैं कि अरे आपने खाना खाया समथिंग लाइक दैट राइट सो वॉट इज चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच इट इज द वे दैट अडल्ट एंड ओल्डर चिल्ड्रेन टॉक टू इन बच्चों से हम कैसे बात करते हैं बींग एन अडल्ट एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन्फेंट्स को अगर आप बहुत स्पीड में उनके साथ बात करोगे दे विल नॉट बी एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड आल्सो दिस हाई पिच हेल्प्स देम टू पे अटेंशन टू व्हाट यू आर एक्चुअली स्पीकिंग एट दैट मोमेंट तो चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारी लैंग्वेज का नाउ लेट इस टॉक अबाउट अनादर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वो दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डिवेलपमेंट कि जो हमारी लैंग्वेज है वो डिवेलप कैसे होती है ठीक है सो दिस इज स्टेजेज ऑफ योर लैंग्वेज डेवलपमेंट इट सेल्फ दैट वॉट आर द डिफरेंट स्टेजेज यू नो एंड इन्फेंट गोज थ्रू वैन द लैंग्वेज इज डिवलपिंग सो जो फर्स्ट स्टेज आता है उसको हम बोलते हैं कूइंग ना वट हैपन्इंग इट इज अराउंड टू मंथ्स ऑफ एज जब एक बच्चा दो महीने की एज के आसपास होता है सो द बेबीज दे बिगिन टू मेक यू नो वॉवल लाइक साउंड राइट दे आर मेकिंग वॉवल लाइक साउंड जिनका कोई मीनिंग नहीं होता बट स्टिल दे आर प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ साउंड वोवल्स की तरह आऊई समथिंग लाइक दिस दे आर टॉकिंग अबाउट सो दैट इज नोन एज कूइंग वो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है उनकी लैंग्वेज का द वे दे आर यू नो ट्राइंग टू स्पीक समथिंग उसके बाद स्टेज आती है उनकी बैबलिंग की ओके आफ्टर एंड प्रोड्यूसिंग लाइक साउंड्स व्हेन दे यू नो आर अबाउट मंथ्स जब आप जब वो सिक्स के होते हैं तो बैबलिंग होने शुरू होती है बैबलिंग में क्या होता है कि वॉवल्स के साथ साथ इन्फेंट जो है कॉन्सोनेंट्स भी एड करने लग जाते हैं सो नाउ देर आर वॉवल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स ना वॉवल्स एंड कॉन्सोनेट्स का मतलब क्या हुआ? वॉवल्स में तो ए आई ओ यू आ रहा था कॉन्सनेस में बाकी आपके अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे सो नाउ दे माइट यू नो बिगिन टू से बाबा मामा समथिंग लाइक दिस ओके सो कोइंग में देर वर ओनली वॉर्ल्स लाइक आ ई समथिंग लाइक दैट इन बैबलिंग व्हेन दे आर अराउंड सिक्स मंथ्स ऑफ एज वॉवल्स एंड कॉन्सनेस आर कंबाइंड एंड दे आर ग्रेजुअली मूविंग टू द लैंग्वेज फॉर्मेशन देन देर इज अनादर स्टेज

तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद वॉट अ टेलीग्राम इज सो इन ओल्डर डेज टेलीग्राम वॉज यूज टू एक्चुअली कम्युनिकेट तो जब मैसेज भेजने के यू uh, नो you know, पैसे लगते थे एंड देर वर ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू कुड टाइप सो पीपल यूज टू राइट ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स सो दैट द पर्सन कैन अंडरस्टैंड वॉट दे एक्चुअली वॉन्ट्स टू से पैरा पे पैरा नहीं लिखते थे बस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट वॉज अ टेलीग्राम

For example, uh, maybe you know they'll say that uh, mama, mommy or mama go. Okay, that is what they would say. Now maybe from this sentence they want they want to say that mama let's go to park. और या फिर मम्मा इज गोइंग आउट मे बी समथिंग लाइक दैट बट ये जो बीच में कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं लाइक इज और द एंड ऑल ऑफ दिस दे आर नॉट यूजिंग दोज वर्ड्स बिकॉज दे डो नॉट कैरी एनी मीनिंग ऑफ देयर ओन यहाँ पे मम्मी गो या मम्मा गो दीज आर द वर्ड्स दैट आर कैरिंग मीनिंग एंड दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट दे आर ट्राइंग टू से सो टेलीग्राफिक स्पीच में द चाइल्ड इज गोइंग टू यूज ओनली दोज वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस दैट कैरी द मीनिंग

And then there is telegraphic speech around 1.5 years, wherein they are forming simple sentences for sure, but those sentences carry only those words which have some kind of meaning. And finally, you have the fifth stage. तो आपकी जो फिफ्थ स्टेज होती है उसमें क्या होता है द चाइल्ड बिगिन टू फॉर्म होल सेंटेंसेस नाउ ठीक है अब वो सिर्फ टेलीग्राफिक स्पीच नहीं दे रहा है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे रादर द चाइल्ड इज एक्चुअली लर्निंग ग्रामर ठीक है तो आपकी जो ग्रामर होती है एक्सप्लेनिशन मार्क लगाने हैं कहाँ पे कॉमा आना है कहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड्स आने हैं दे आर लर्निंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑल्सो देर यू नो वोबुलरी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग

तो आपका जो लैंग्वेज है और आपका जो थॉट है थॉट क्या है थॉट इज ऑल्सो अगेन कमिंग अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इट सो लैंग्वेज और थॉट के बीच में कोई रिलेशन है क्या इज इट दैट आर लैंग्वेज इन्फ्लुंस आर थॉट और इज इट कि हमारी थॉट हमारी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करिए कैसे हो रहा है ये ठीक है कि क्या हम कुछ बोलते हैं और फिर सोचते हैं या सोचते हैं और फिर बोलते हैं हाउ इज इट हैपनिंग

दे एक्चुअली एड इन डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज यानी कि हमारे कॉन्सेप्ट करते हैं लैंग्वेज डिवेलपमेंट में सो वॉटेड टू से अगर किसी बच्चे को एक वर्ड बोलना सिखाना है दैट इज मदर सो फर्स्ट द चाइल्ड शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मदर द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर शुड बी क्लियर इन द चाइल्ड्स हेड

ने क्या बोला कि भाई हमारी जो लैंग्वेज होती है वो हेल्प करती है टू डेवलप सो ही जस्ट वेंट ऑपोजिट जीन ऑपोजिटेट है ना जीन पियाजे ने तो बोला कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं जो कॉन्सेप्ट है वो हेल्प करे लैंग्वेज की डेवलपमेंट में वेर एज वाई गोड्स की सेट दट नो 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 दैट इज नॉट वॉट इजनिंग इन स्टेट द उल्टा इज हैपनिंग

उसे कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है कि जो भी आप लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे हो वही आपके सोशल बिहेवियर भी दैट विद यू नो पीपल हु आर एल्डर देन यू यू स्पीक इन अ डिफरेंट वे इन अ डिफरेंट टोन द पीपल हु आर यंगर टू यू यू स्पीक इन अ डिफरेंट टोन दो जो आपके दोस्त होंगे उनसे आप अलग तरीके से बात करोगे जो आपके पेरेंट्स होंगे उनसे आप अलग तरीके से बात करोगे सो वाई गॉड्स की हैड ऑपोजिट व्यूज फ्रॉम पियाजे टू थिंग्स ही टॉक्ड अबाउट एक बोला कि लैंग्वेज हमारे सोशल बिहेवियर को भी डिटर्मिन करती है कंट्रोल करती है इन्फ्लुएंस करती है और दूसरा बोला कि लैंग्वेज हेल्प करती है या एड करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी वर्ड ठीक है जीन पियाजे ने बोला था कि कॉन्सेप्ट हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करें वाई ने बोला दैट नो माय लैंग्वेज इज हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड थर्ड एंड द फाइनल पर्सन जिनके बारे में एमसीक्यूज में पूछा जाता है नाउ दिस इज एक्चुअली अ हाइपोथेसिस दैट इज देयर व्हिच इज वोन सपाई और वो हाइपोथेसिस ठीक है सपाई और वो फाइपोसीज अब इस हाइपोथेसिस को दिया किसने है देर आर टू पीपल इन्वॉल्व जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हो सो द वन पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व ओवर योर इज नोन एज एडवर्ड सपायोर और हाउ हैव द नेम इज प्रोड्यूस्ड ऑफ दिस पर्सन राइट एंड द स्टूडेंट ऑफ एडवर्ड सिपायर दैट इज़ बेंजामिन ली वॉर्फ ठीक है सो बेंजामिन ली वॉर्फ काफी बुक्स में आप देखोगे सिर्फ बेंजामिन ली वॉर्फ को ही क्रेडिट किया जाता है इस हाइपोथेसिस के लिए बट बोथ ऑफ देम हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेपायर वॉर्फ हाइपोथेसिस राइट सो एडवर्ड सेपायर वाज द टीचर एंड बेंजामिन ली वॉर्फ वाज हिज स्टूडेंट एंड दीस टू पीपल केम अबाउट एंड वांटेड टू एक्सप्रेस देयर यू नो थॉट्स एंड देयर फाइंडिंग्स ऑन द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इन्होंने मिला के एक ये जो सपायर वो हाइपोथेसिस है ये दी जिसमें ते सेड ते दे सेड दैट योर लैंग्वेज कंट्रोल्स योर कॉग्निशन एंड डिटर्मिज योर कॉग्निशन सो इन्होंने भी थोड़ी बहुत वही बात कह दी जो वाइगॉड्स की बोली ओके सो दे ऑल्सो वर नॉट इन लाइन्स विद वॉट जीन पियाजे सेड जीन पियाजे के सपोर्ट में रेयरली कोई था इन द सपोर्ट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट सेट इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज बिकॉज नाउ नाउट इज ऑल्सो इफ यू सी इट्स नॉट ट्रू ऐसा नहीं होता कि बच्चा पहले मदर क्या होता है वो सीखे एंड देन मम्मा या मदर बोलना स्टार्ट करे राइट द चाइल्ड ऑफ एन लर्न वर्ड एंड ग्रेजुअली ने जो बोला था दैट लैंग्वेज इज एडिंग इन द डलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट एडवर्ड सपायर एंड बेंजमिनज होती है वो आपके कॉग्नेशन को कंट्रोल भी करती है आपके कॉग्निशन को डिटर्मिन भी करती है ओके सो बेसिकली द वर्ड्स दैट पीपल आर यूजिंग जो भी यू नो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो दोज वर्ड्स द वे इन विच द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट इट और थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड वैन यू आर यूजिंग दिस वर्ड मदर ठीक है लैंग्वेज आप बोल रहे हो नाउ हाउ यू नो दिस लैंग्वेज इज गोइंग टू डिटर्मिन योर कॉग्नेशन सो वेन आई से मदर वट आर यू थिंकिंग अबाउट आर यू थिंकिंग अबाउट योर ओन मदर आर यू थिंकिंग अबाउट सम बडी एल्स मदर वट आर यू थिंकिंग अबाउट इन जनरल ज इज कंट्रोलिंग योर कॉग्नेशन ये किसने बोला एडवर्ड सपायर एंड बेंजामिन लीवॉर्फ ने अब इनकी हाइपोथिस का एक और नाम है दैट इज नोन एज लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथिस ठीक है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपथिसिस तो किसी भी नाम से ये क्वेश्चन में अगर आए तो यू शुड नो वॉट इट मीन लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है यू ऑलरेडी नो दिस क्या बोलती है कि लैंग्वेज आपके कॉग्नेशन को कंट्रोल करता है लैंग्वेज आपके कॉग्नेशन को डिटर्मिन करता है कुल सो दिस इज ऑल दैट वी हैड टू टॉक अबाउट इन टूडेज वीडियो रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड चैप्टर सेवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपका चैप्टर सेवन भी कवर हो चुका है

एंड रिविजन्स कैसे चल रहे हैं सबसे बड़ी बात आप लोगों की हमने सेवन चैप्टर्स कम्प्लीट कर लिए हैं ओवर द स्पैन ऑफ टाइम बट हाउ आर योर रिविजन्स गोइंग ऑन क्या जो पुराने चैप्टर्स करें उनको रिवाइज अभी भी कर रहे हो या छोड़ के बैठ गए हो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड वील मेट इन द नेक्स्ट वीडियो और कल हम लोग आपके चैप्टर एट के साथ स्टार्ट करेंगे सो टिल देन मेक श्योर यू रिवाइज एवरी थिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर साइकोलॉजी फ्रेंड्स एंड मेट्स Till then, have a very good day. Bye-bye and take care.